Let's do question number 22 of exercise 7C, that is lines and angle. Question number 22 is, in the given figure, M and N are the plane, two plane mirrors perpendicular to each other. Friends, perpendicular hai, to ye 90 degree ka angle bana rahe hai. Show that the incident ray CA is parallel to VA, ray of refraction. Right, friends? So, hume proof kya karna hai? To prove that CA is parallel to BD, ये प्रूफ करना है. तो प्रूफ में क्या करेंगे हम फ्रेंड्स, हमें पता है ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो हमने B से एक लाइन प्रोड्यूस की और A से एक लाइन प्रोड्यूस की जिसे हमने P मान लिया, मीट्स एट P. तो प्रोड्यूस अ लाइन परपेंडिकुलर, सॉरी पैरेलल produce a line parallel to OA and OB. Right, friends? Produce a line parallel. OA ke parallel and OB ke parallel. From point A and B respectively, meet at P. P पे meet करेंगे, यहां से एक perpendicular line लाए, यहां से एक perpendicular line लाए जो इसके parallel है और इसके parallel है, वो एक P पे point की. तो angle APB कितना हो गया, 90 degree हो गया हमारा, perpendicular lines आई. तो right friends, अब हमें पता है ray angle of incidence is equal to the angle of reflection. हमें पता है साइंस में ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं. राइट फ्रेंड्स, तो ये एंगल क्या हुआ, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हुआ. एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू एंड सिमिलरली एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर. राइट फ्रेंड्स, अब ये दोनों इक्वल हो गए. अब ये क्या बन गया, यहां से ये ज्वाइन करके ये ट्राइंगल बन गया. तो इन ट्राइंगल बी पी ए में देखिए, एंगल टू प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल ए पी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया. अब एंगल टू प्लस एंगल थ्री ये कितना था, 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो ये कितना आ गया, एंगल टू प्लस एंगल थ्री इक्वल्स टू 180 माइनस 90. राइट फ्रेंड्स, तो एंगल टू प्लस एंगल थ्री इक्वल्स टू 90 डिग्री हो गया. ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन. अब एंगल टू किसके इक्वल था, एंगल वन के, और एंगल थ्री किसके इक्वल था, एंगल फोर के. तो ये भी कितने हो गए, दोनों सम करके 90 डिग्री. ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन. अब हम इन दोनों इक्वेशन को एड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को ऐड किया. तो ये क्या है, एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल फोर, ये आया 90 प्लस 90. राइट फ्रेंड्स, तो एंगल वन प्लस एंगल टू क्या बना, एंगल सी ए बी प्लस थ्री एंड फोर क्या बना, एंगल ए बी डी इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया. जब ये दोनों एंगल्स 180 डिग्री के हो गए सम, तो हेंस ए सी इज पैरेलल टू बी डी, प्रूव्ड. थैंक यू. इफ यू अंडरस्टैंड द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ऑन मैथ्स एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू.